समझ में नहीं आया कि अचानक कैसे इंतकाल हो गया। बस जो हुक्म रब्बी, सुना है कि रहमत सोने के लिए गया है, जब उसे जाने के लिए जगाया तो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। वैसे निकाह की तो सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, तो फिर ये लोग जा क्यों रहे थे? क्या बताएं आपको, उनकी बेटी उनकी मर्जी, जहां दिल चाहता ले जाते। आप ऐसा कीजिए कि हाजरा से उसके रूम में जाके मिल ले, वो भी थकी हुई आई थी, आराम करने गई है अभी। हाँ, ऐसा ना हो कि वो भी सो जाए, माँ पारा से बहुत लगाव था ना उसे। मैं उससे कमरे में मिल लेती हूँ। जी शैला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा वक्त भी आएगा। कैसा वक्त? रहमत के इंतकाल पे मैं उसकी बेटी के सर पे हाथ भी नहीं रख सका। बहुत अफसोस हो रहा है आपको, तो अब जाकर हाथ रख दें उसके सर पर। बेटा तर्स खाकर उन्हें रहने की जगह दे आया, और आप जाएं जाकर तसल्लियां दे आएं थोड़ी। देखो, रायत के साथ उसकी दोस्ती बढ़ गई थी, चलो मान लेते, लेकिन सुहेल को वो भाई कहती थी, इतना बड़ा इल्जाम सुहेल पर कैसे लगा सकती है वो? रहने दें आप प्लीज, जितना सोचेंगे ना उतना ही उलझेंगे, फिर तो खुद सर में दर्द हो गया। मेरा ख्याल है कि वो सो गई है, दरवाजा नहीं खोल रही। जी, हो सकता है थक गई होगी, तो खैर आए हम चाय पीते हैं जब तक। चलो।